हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू वेज आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊ विश्वविद्यालय या कुमाऊ यूनिवर्सिटी की जो कि नैक के द्वारा ए ग्रेड जिन्हें मिला हुआ है एक्रेडिटेड है एंड इनकी तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर पी एच डी एंड उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कवर करेंगे सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा अच्छा आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच इनफॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है के यू नैनीताल डॉट ए सी डॉट इन आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सो आप चेक कर लीजिएगा पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है उत्तराखंड में है ये ऑब्वियसली स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड अगर बैकग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो इन एडवांस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट प्लीज एक्सक्यूज मी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है ओवर है तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा जरूर अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट के लिंक्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स ओके okay, इसमें आप देखिए के यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन

बात करें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है देन फी पे करने का फिर आप अपना फी का स्टेटस चेक कर सकते हैं देन रीप्रिंट एप्लीकेशन राइट ये कुछ ऑप्शन इसके बाद यहाँ पे जो प्रेस नोटिफिकेशन था आप उसको देख सकते हैं देन डिटेल के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें डाउनलोड करना होगा ब्रोशर जिसे हम अभी देखेंगे डाउनलोड करके एंड देन एप्लीकेशन फी कितनी है सो जो आर की एग्जामिनेशन फी है वो है प्रॉपर जो अमाउंट है वो है टू जीरो फाइव जीरो सो टू थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू थाउजेंड एंड फिफ्टी ओके एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को अभी हम देखेंगे बट प्लीज़ आप भी पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं फ्राम ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ अक्टूबर अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड एंड डेट है फिफ्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो पांच दिसंबर दो हज़ार इक्कीस लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा अभी के लिए जो टेंटेटिव एग्जामिशन डेट है वह है नाइनटीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सिटीज़ क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे सो so, नैनीताल सिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल आपको जाना होगा राइट right? उसके बाद अभी स्टेप्स हैं सो आपको पहले अप्लाई करना है फिर फी को पे करना है जो कि ऑनलाइन मोड से होगी उसके बाद आपको फाइनल जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टोटल वैकेंसीज़ भी दी हुई हैं सो येस आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स हैं सो ओवरऑल ट्वेंटी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सबसे पहले हिंदी है और जो स्टार्टिंग में है वो सब्जेक्ट कोड है ठीक है तो यहाँ पे सीट्स हैं सबसे पहले हिंदी है जिसमें कि फोर सीट्स हैं उसके बाद संस्कृत टू देन इंग्लिश एट पॉलिटिकल साइंस सिक्स जोग्राफी टू देन हिस्ट्री सिक्स वेट सॉरी येस सो हिस्ट्री सिक्स देन उसके बाद इकोनॉमिक्स है जिसमें कि इलेवन सीट्स हैं देन सोशलॉजी फाइव ड्राॅइंग एंड पेंटिंग थ्री साइकोलॉजी इलेवन म्यूजिक टू फिजिक्स थ्री केमिस्ट्री ट्वेंटी मैथ्स फोर्टीन बॉटनी फाइव जोलॉजी टू उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि अगेन टू सीट्स हैं देन जियोलॉजी थ्री फॉरस्ट्री एंड एनवॉयमेंटल साइंस 3 कंप्यूटर साइंस 4 फार्मास्यूटिकल साइंस 2 कॉमर्स 5 मैनेजमेंट स्टडीज 2 देन एजुकेशन में 3 सीट्स हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2 जर्नलिज्म एंड मास कॉम 4 सो ये ओवरऑल सीट्स हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं आपको अप्लाई करने के लिए ऑबवियसली इस पे क्लिक करेंगे उससे पहले इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा दैट यस यू हैव रीड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस दैट आर मेंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर देन अप्लाई नाउ के इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आप करेंगे क्लिक देन ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल जिसमें आपको अप्लाई करना है या में आपको कुछ इनफॉर्मेशन फ़िल करनी होगी सो ये देखिए यहाँ है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सबमिट करेंगे आप इन इन्फॉर्मेशन को फिल करके तो चलिए अभी हम ओपन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देख लेते हैं क्या है क्राइटेरिया वैसे सेम ही है जो कि आपको ऑलरेडी पता है बट हम जरूर देखेंगे एंड ये yes, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चलिए अभी ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सो so यस yes, ये है इन्फॉर्मेशन रोशर ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड यहाँ पे देखिए आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एप्लीकेशन फी बता दिया टू जीरो फाइव जीरो है उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और लास्ट डेट इज फिफ्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको यहाँ हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें सेम है मास्टर्स डिग्री विद 55 परसेंट ऑफ मार्क्स अगर हैं तो यस आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो इनफॉर्मेशनस लिखी है जैसे देखिए हमने तो ओवर uh, व्यू जो ट्रग्स था वो देख लिया बट स्टिल ये जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं इन्ह पर एक बार पढ़ लीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में देन यहाँ प्रोसीजर है सो so, देखिए दो है या तो आप डायरेक्टली एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा सकते हैं दैट इज़ आप हो आपको एंट्रेंस नहीं देना डायरेक्टली आप इंटरव्यू देंगे सेकेंड या फर्स्ट इनफैक्ट है कि आप एंट्रेंस देंगे देन आप इंटरव्यू देंगे सो so, कौन कौन से कैंडिडेट्स एक्जेम्टेड हैं उसके बाद करते हैं बट अप्लाई सबको करना है अगर आप एग्जामड हैं तब भी आपको अप्लाई करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट आर डी टी एंड इंटरव्यूज यहाँ पे पैटर्न है रिटर्न होगा हंड्रेड मार्क्स का टोटल ड्यूरेशन टू आवर्स का होगा हंड्रेड एम सी क्यूज होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी करेक्ट उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज है जो कि फिफ्टी परसेंट है अनरिजर्व के लिए देन डायरेक्ट एडमिशन सो एक्जेमटेड कौन कौन से कैंडिडेट्स है देखिए यहाँ पे आई डों ने क्यों क्योंकि नेट के साथ हर बार ब्रैकेट में जी आर एफ लिखा है सो so, एक बार इसे अगेन आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि नेट एंड जे आर एफ होगा या और लग रहा है कि सिर्फ नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है मे भी वो एग्जेमटेड नहीं हो बट हो भी सकते हैं नॉट श्योर sure. इसलिए हम बोल रहे कि एक बार आप चेक कर लीजिएगा बाकी तो जी पैट क्वालिफाइड नहीं तो आप एलिजिबल है एग्जेप्टेड है आप एंड इंस्पायर फेलो भी देखिए गेट भी स्पेफिकली जो भी कैंडिडेट है वो एग्जेप्टेड नहीं है आज सच मैं नहीं और आपके आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट भी नहीं है राइट right? सो so, इसलिए डू चेक इट आउट एंड बाकी इंफॉर्मेशन को भी आप पढ़ लीजिएगा सो येस दैट इज इट फॉर टुडे ये था आज का वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग